फ्लैग मीटिंग के 12 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान ने दिखाया रंग। अखनूर के परगवाल में बीएसएफ पोस्ट पर फायर। रात 12 बजे परगवाल में करीब आधे घंटे तक पाक रेंजर्स ने बरसाई गोली। फिर सुबह 4 बजे से बीएसएफ के 4 पोस्ट पर दागे गए गोले। अखनूर के परगवाल में देवरा चुनाब ब्राह्मण पोस्ट पर पाक रेंजर्स ने की फायरिंग। 3 दिनों की शांति के बाद पाक ने बदला पैतरा। बीएसएफ सूत्रों की खबर, बीती रात परगवाल में देखी गई आतंकी गतिविधि, घुसपैठ की कोशिश नाकाम। भारत पाकिस्तान सीमा पर कई हफ्तों से जबरदस्त फायरिंग के बाद पाक ने ही की थी फ्लैग मीटिंग की पहल, फिर पाक की बदली नियत। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक गौड़ा पर रेप का केस, बैंगलोर में दर्ज हुआ मामला। कन्नड़ फिल्म की अभिनेत्री ने लगाया शादी और धोखाधड़ी का इल्जाम, आर के नगर थाने में रेप के साथ धोखाधड़ी का भी केस दर्ज। सगाई के तुरंत बाद लगे रेप के इल्जाम से रेल मंत्री के बेटे कार्तिक गौड़ा हैरान, आरोपों को बताया गलत। कार्तिक गौड़ा ने कहा लड़की को नहीं जानता, पिता की छवि खराब करने की कोशिश। कार्तिक गौड़ा पर इल्जाम लगाने वाली कन्नड़ अभिनेत्री के वकील का दावा, पुलिस को दी जानकारी, दोनों में कब से थी पहचान और क्या क्या हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी जनधन योजना आज होगी लागू, 76 केंद्रों से एक साथ शुरुआत। जनधन योजना के तहत खुलेगा खाता, बैंक अकाउंट खुलने पर ही मिलेगा 1 लाख का दुर्घटना बीमा। पूरे देश में 76 केंद्रों पर आज खुलेंगे बैंक खाते, पहले ही दिन 1 करोड़ खाता खोलने का लक्ष्य। देश में अलग अलग जगह मौजूद रहेंगे मोदी सरकार के तमाम मंत्री, पीएम मोदी खुद मौजूद होंगे दिल्ली में। फिल्म निर्माता करीम उरानी को मिली अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी की धमकी में नया खुलासा, फायरिंग के बाद आया था एसएमएस। करीम उरानी को भेजे एसएमएस में फिर डॉन की धमकी, लिखा अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। रवि पुजारी की धमकी के बाद शाहरुख खान, आमिर खान समेत कई सितारों की बढ़ी सुरक्षा, धमकी की जांच में जुटी पुलिस। भारत में फैले इराक में दहशत फैलाने वाले आतंकी ग्रुप आईएसआईएस के पांव इंडियन मुजाहिदीन के जरिए भर्ती। एनआईए के डॉजियर से आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी, केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर में की जा रही है भर्ती, खुफिया एजेंसी को शक, आईएसआईएस भारत में कर चुका है 100 लोगों की भर्ती। शूटिंग चैंपियन तारा शाहदेव के पति रंजीत उर्फ रकीबुल को आज रांची अदालत में पेश करेगी झारखंड पुलिस, दिल्ली में मिली 3 दिनों की ट्रांजिट रिमांड। आज तक से खास बात में तारा के पति ने खुद को बताया बेगुनाह, फ्लाइट पर कहा वो रंजीत कोहली ही है। रंजीत कोहली की चकाचौंध भरी जिंदगी से पुलिस हैरान, मानव तस्करी के एंगल से भी कर रही है जांच। दिल्ली में ई रिक्शा के भविष्य के लिए आज अहम दिन, दिल्ली हाई कोर्ट सुना सकता है फैसला। दिल्ली में ई रिक्शा पर है अदालत का बैन, पिछली सुनवाई में नहीं दी कोई अंतरिम राहत, 28 अगस्त तक बैन। गुजरात के वलसाड में मंदिर से साईं की मूर्ति हटाने की कोशिश, हुआ जबरदस्त विरोध। वलसाड की 80 साल पुरानी भजन महादेव मंदिर में 3 महीने पहले स्थापित हुई थी साईं की भव्य मूर्ति, धर्म संसद के बाद हटाई जा रही थी। छत्तीसगढ़ के धर्म संसद में हुआ था प्रस्ताव पास, मंदिरों से साईं की मूर्ति हटाने का जारी हुआ फरमान। साईं प्रतिमा की जगह तोड़ने के साथ ही मंदिर में आधम के साईं भक्त, ट्रस्टी को सुनाई खरी खोटी।
विरोध के बाद साई मूर्ति हटाने का काम रुका, लेकिन बवाल बढ़ने की आशंका। साई भक्त ने जिलाधिकारी से मांगी प्रदर्शन की इजाजत। बेटी को लेकर अफवाहों पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की सफाई, कहा मेरे परिवार के बारे में फैलाई जा रही हैं गलत खबरें। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा अगर एक छोटा आरोप भी साबित हुआ तो राजनीति को ठोकर मार घर बैठ जाऊंगा। जब तक मेरे अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य के ऊपर कोई आरोप प्रथम दृष्टया भी सिद्ध हो जाएगा उस दिन इस राजनीति को ठोकर मार कर मैं घर बैठ जाऊंगा। पीएमओ ने अफवाह को बताया सफेद झूठ, कहा सरकार की छवि और चरित्र धूमिल करने की घृणित कोशिश। राजनाथ के बचाव में उतरे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, बयान जारी कर खबरों को निराधार और भ्रामक बताया। दिल्ली के पौश मोतीबाग इलाके में एक आईएएस अधिकारी के घर नौकरानी की मौत, खुदकुशी का शक। कमरे के पंखे से लटकी मिली नौकरानी की लाश, बालकनी से घुसकर खोला गया बंद कमरे का दरवाजा। दिल्ली के बल्ली मारान में गेस्ट हाउस में पंखे से लटकी मिली लड़की की लाश, खुदकुशी के साथ हत्या का भी शक। कानपुर में शहर के बीचों बीच झाड़ी में मिली लड़की की लाश, रेप के बाद हत्या की आशंका। कानपुर में दो महीने में मिली है तीसरी लाश, अभी नहीं हुई किसी की पहचान। दिल्ली के मोतीनगर में सामने आई चोरी की अनोखी तस्वीर, एक शख्स ने कार निकाला, लैपटॉप समेत 1,00,000 का सामान। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर, बेकरी शॉप पर खाने के लिए रुका था कार का मालिक। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में ड्रामा फेस्टिवल, एनसीआर के 17 स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा। वसंत वैली स्कूल के 25 साल पूरा होने पर खास फेस्टिवल, 3 दिन तक चलेगा रंगारंग। मेरे हाथ में खुजली हो रही है, मेरा कुछ करने का हो रहा है। फेस्टिवल में दिल्ली के बेहतरीन स्कूलों के बच्चे दिखाएंगे अपना हुनर, कार्यक्रम को लेकर बच्चों में उत्साह। कार्डिफ वनडे में इंग्लैंड पर भारत की 133 रनों से धमाकेदार जीत, 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे निकला भारत। भारत ने 50 ओवरों में खड़ा किया 304 रनों का स्कोर, 161 रनों पर ऑल आउट हुए मेजबान। बारिश की वजह से इंग्लैंड को 47 ओवरों में मिला था 295 का टारगेट। भारत की जीत के हीरो रहे सुरेश रैना, 75 गेंदों पर ठोका शतक, 100 रनों की पारी में 12 चौके और 3 छक्के। कप्तान धोनी ने भी खेली 52 रन की पारी, रैना के साथ 5वें विकेट के लिए 144 रन की साझेदारी। भारत के लिए रोहित शर्मा ने भी जड़ा शतक, 52 रन बनाकर ट्रेडबल का शिकार बने।